जय मदर मेरी। हेलो 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 जी, मैं समीर बोल रहा हूँ अमेरिका से। आप कौन बोल रहे हैं? कौन बोल रहा है भाई? मैं पांडू। देखिए मिस्टर पांडू, मिस्टर आंडू, आप जो भी हो, मेरे ग्रैंडफादर से कह दीजिएगा कि मैं आज अमेरिका से लौट रहा हूँ। रात को 1:30 बजे मेरी फ्लाइट लैंड करेगी। एयरपोर्ट आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आ जाऊंगा। थैंक यू। क्या हुआ गोपाल, क्या हुआ? हाँ, समीर आ रहा है। क्या समीर आ रहा है? समीर आ रहा है, समीर आ रहा है। अरे सब वही तो बोल रहे हैं यार। देखा, मैंने कहा था ना एक दिन इसकी जाल में फंस जाएंगे। मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ तुम लोग भी सामान बांधो और निकलो यहाँ से। अरे ऐसे कैसे चले जाएं यार, ऐसा घर भी तो मिलना चाहिए ना। या तो बूढ़े हो, दोनों अंधे हो, दोनों का आगे पीछे कोई नहीं हो, ऐसा घर मिलने को टाइम लगता है यार। यार तुझे घर की पड़ी है या पुलिस का चक्कर हो सकता है? नहीं, मैं किसी की नहीं सुनने वाला, मैं जा रहा हूँ। अरे चुप करो यार, तुम लोग सोचने तो दो, कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा। संदूक, संदूक, संदूक यार, इसमें जरूर माल होगा। हाँ यार, फिल्मों में दिखाते हैं ना, संदूक खोला और उसके अंदर हीरे, जवाहरात, सोना, अशर्फिया। क्या तुम्हारा इसे भी चोरी करने का इरादा है क्या? हाँ? नहीं देख गोपाल, नहीं है गोपाल, देख नहीं गोपाल, क्या कर रहा है तू? अरे माधव समझा इसको, गोपाल देख, नहीं नहीं। अरे पागल हो गया तुम लोग, जिस घर में तुम्हें इतना प्यार मिला, जिस घर का तुम लोगों ने खाया पिया, उसी में छेद करोगे? छेद थाली में होता है यार, घर में थोड़ी होता है। तू समझ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? मुझे लगता है तुम्हें चोरी नहीं करनी चाहिए। अरे यार चोरी थोड़ी कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, अगर कुछ मिल गया तो लोन लेके लौटा देंगे। देख गोपाल ये पाप है। हाँ देखिए दरवाजा भी नहीं खुल रहा है, देख भगवान भी ना बोल रहा है। गोपाल बात मान ले मेरी, गोपाल नहीं। अच्छा उस तरफ से खुलता है, देखो मैं अब भी बोल रहा हूँ ये गलत है। अबे यही सही है, इसमें अगर माल होगा ना मैं पिक्चर बनाऊंगा और तुम सबको लूंगा उसमें। अच्छा यार खुलने तो दे। रुक जाओ बेटे, इसे खोलने के लिए चाबी की जरूरत पड़ेगी। हम लोग तो मैं तो यूं ही देख रहा था कि मैं बताता हूँ इसमें क्या है। ये तेरा कंपास बॉक्स। तू 6 साल का था तब तूने जिद की थी। और ये देख गन, दिवाली के लिए पूरे घर में से धाए धाए करके घूमता रहता था तू। और ये तेरी गाड़ी, इसे लेकर पूरे आंगन में घूमता रहता था तू, दिन भर खेलता रहता था इससे। ये क्या है दादाजी? अस्थियां। किसकी? समीर की। मेरा पोता अमेरिका में पैदा हुआ था, हम उसे मिलने के लिए तरस रहे थे, लेकिन 2 साल पहले एक एक्सीडेंट में हमारी आंखें चली गई। तो मैंने हिम्मत करके मेरे बेटे को हमारे एक्सीडेंट के बारे में सब बता दिया, उसे रहा ना गया और वो मेरी बहू और पोते के साथ यहाँ आने के लिए निकल पड़ा। वो गाड़ी से एयरपोर्ट आ रहा था, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया, कोई नहीं बचा। मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरा पोता, कोई नहीं। ये बात मैं मंगला को नहीं बता सकता था, वरना वो मर जाती। ये सदमा सिर्फ मुझे ही बर्दाश्त करना था। मेरे एक कमिश्नर दोस्त ने अमेरिका जाने का मेरा अलग से इंतजाम कर दिया, और वहां जाकर मैंने अपने इन्हीं हाथों से मेरे पूरे वंश का अंतिम संस्कार किया। मैं जब अमेरिका से वापस आया तो मंगला ने मुझे पूछना शुरू कर दिया कि कैसा है हमारा पोता, कितना बड़ा हो गया, हाँ, बात करता है कि नहीं करता, और आपने मेरे बारे में बताया कि नहीं, क्या बताता, क्या कहता। सच बताने की हिम्मत नहीं थी मुझे। हर रोज सोचता था कि आज बताऊंगा, आज बताऊंगा। फिर जिस दिन मैंने तय किया, भगवान ने तुम्हें समीर बना के भेज दिया। लेकिन मुझे महसूस हो गया था कि तुम एक नहीं, दो हो। और धीरे धीरे समझ में आया कि दो नहीं, चार हैं। और मुझे तुम्हारी इस झूठ से कोई ऐतराज नहीं था, सच, क्योंकि मंगला बहुत खुश थी, बहुत खुश। लेकिन अभी अगर आप चले गए तो पता नहीं उस पे क्या बीतेगी, टूट जाएगी बेचारी, सच कहता हूं। टूटने के लिए बचा ही क्या है। आओ, इतना बड़ा धोखा। हाँ? ये लोग जो भी है, ये लोग, इनसे मैं नाराज नहीं हूं क्योंकि ये पराये थे, लेकिन आपने मेरे बच्चों का अंतिम संस्कार भी नसीब होने नहीं दिया। मैं चाहती थी समीर को आखिरी बारी सही अपने कलेजे से लगाती, अपने गोदी में लिटाती। तुम लोग कौन हो? तुम लोग, किसने हक दिया, किसने अधिकार दिया तुम लोगों को एक बुढ़ा बुढ़ी के जज्बातों के साथ खेलने का? हाँ, बहुत बड़ा पाप किया है तुम लोगों ने, इतना बड़ा पाप जिसकी सजा इस दुनिया में नहीं। ये सब मेरा किया करा है, इसके जिम्मेदार ये लोग नहीं, सिर्फ मैं हूं। ये मेरी गलती समझो या नादानी कि मैं यहां आया, लेकिन इससे बड़ी गलती तो यह है कि जो प्यार, परिवार मैं जिंदगी पर ढूंढता रहा, जब वो मुझे आप लोगों से मिला तो मैं उसे पहचान नहीं पाया, और आप लोगों का दिल दुखा दिया। आप जो सजा दे मुझे मंजूर है।